हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं 9 मई 2022 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व भर में रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व भर में अगर बात आती है रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हमारा 8 मई को। और 8 मई को अगर बात आती है, 8 मई 1828 को हेनरी डुनेंट का जन्म हुआ था, जिसने युद्ध में घायल सैनिकों के लिए इलाज की व्यवस्था करी थी। तो उन्हीं को अगर देखा जाए, उनके सम्मान में विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और इन्हें अगर बात आती है, 1901 में पहला शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था हेनरी ड्यूनेट को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको याद रखना विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। तो मई के जितने भी इंपॉर्टेंट डे हैं, तो वो आप एक जगह सभी नोट कर लीजिए। ये सभी इंपॉर्टेंट डे हैं, तो हमारे अलग अलग देखने को मिलेंगे। जैसे हमने 1 तारीख को देखा था मजदूर दिवस, 3 तारीख को हमारा प्रेस दिवस, अस्थमा दिवस। तो ये हमारे सभी होंगे, तो आप एक जगह नोट कर लेंगे, तो उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपके सभी याद भी हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, 2 मई 2022 को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो खाद्य पुरस्कार 2022 अगर बात आती है इसकी, तो ये कौन देता है? FAO द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय रोम इटली में है। और अगर बात आती है इस साल 2022 का, ये जो पुरस्कार मिलेगा ये किसे मिलेगा? डॉक्टर सिंधिया रोजन विंग को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है 2022 का, तो ये 2022 के लिए पुरस्कार इन्हें मिलेगा। और अगर बात आती है तो शकुंतला हरी को इन्हें मिला था 2021 का पुरस्कार, और डॉक्टर रतन लाल को मिला था 2020 का पुरस्कार। तो लेकिन 2022 का हमें याद रखना है, 2022 का डॉक्टर सिंधिया रोजन विंग को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मई 2022 में एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कायर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कायर की अगर बात आती है, तो ये अगर देखा जाए, ये नारियल का प्रोडक्ट है, और नारियल का एक रॉ प्रोडक्ट है जिसका हम यूज करते हैं रस्सी बनाने के लिए। तो रस्सी अगर देखा जाए, रस्सी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और कायर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये हमारा किया गया है कोयम्बटूर में। और कोयम्बटूर क्यों फेमस है? क्योंकि ये हमारा क्या है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। तो आपको याद रखना है, भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? अहमदाबाद को। और अगर बात आती है उत्तर भारत का, तो उत्तर भारत का बोलते हैं कानपुर को। और अगर बात आती है दक्षिण भारत का, तो दक्षिण भारत का बोलते हैं कोयम्बटूर को। और अगर बात आती है मैनचेस्टर है कहाँ पर, तो हमारा यूरोप में है, इंग्लैंड में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 7 मई 2022 को किसने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये जो मनाया है, ये अभी हमारा सीमा सड़क संगठन BRO ने, अगर देखा जाए कौन सा स्थापना दिवस मनाया अपना 63वां, क्योंकि BRO की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 7 मई 1960 को। तो इसी वजह से यहाँ पर BRO का अगर देखा जाए, जो 63वां स्थापना दिवस है वो मनाया गया है। और BRO जो आता है वो हमारे रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। ये जहां जहां हमारी चीन और पाकिस्तान की सीमा है, वहां पर सड़क बनाने का काम करती है और उसके मेंटेनेंस का काम करती है। और इस समय इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं BRO के, वो हैं राजीव कुमार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मई 2022 को दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो दूसरा यानी कि यहाँ पर बात चल रही है, दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ है? तो कोपेनहेगन में। और कोपेनहेगन कहाँ है? डेनमार्क में है। और अगर बात आती है नॉर्डिक की, तो नॉर्डिक के अंतर्गत अगर देखा जाए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क, इन सभी देशों को शामिल किया गया है। ये सभी कहलाते हैं नॉर्डिक देश। और नॉर्डिक देश के अगर देखा जाए, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन जो हुआ है वो 2022 का कहाँ हुआ है? कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ है। और इससे पहले अगर बात करी जाए, इससे पहले हमारा हुआ था पहला, प्रथम ये है दूसरा, इससे पहले हुआ था पहला। तो पहला जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था स्टॉकहोम में। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, हमें वर्तमान का भी याद रखना है यहाँ पर। तो वर्तमान 2022 का है कोपेनहेगन में। नेक्स्ट है अगला, 7 मई से 8 मई 2022 को कहाँ पर 5वां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो आदिवासी अगर देखा जाए, आदिवासी महोत्सव इसकी शुरुआत की गई है मांडला मध्य प्रदेश में। और मांडला मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए, जो वर्तमान में हमारे जनजातीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 24वें मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने स्वर्ण पदक जीता है, ये किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए, 24वें मूक बधिर ओलंपिक ये हो कहाँ रहे हैं? ये हो रहे हैं हमारे ब्राजील में।
और ब्राजील में हो रहे हैं अगर देखा जाए तो यहाँ पर भारत ने अब तक 4 गोल्ड जीते हैं, और 4 गोल्ड में एक नाम आता है धनुष श्रीकांत का, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता। ये किससे संबंधित है? ये है शूटिंग से संबंधित। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने रेत और अन्य सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये अगर देखा जाए खनन को, अवैध खनन को रोकने के लिए ये हमारा हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है, जिससे कोई भी गाड़ी अगर रेत या अन्य सामग्री लेकर जा रही है खनन की, तो उसे ट्रैक करने के लिए व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च किया है। अगर कोई भी गाड़ी इस सिस्टम पे अपडेट नहीं होगी तो उसे खनन के लिए अवैध माना जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 7 मई 2022 को किसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? माउंट एवरेस्ट की चोटी अगर देखा जाए 26वीं बार इन्होंने करी है, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार, तो 26वीं बार फतेह कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है तो कामी रीता शेरपा, ये नेपाल की है, और इन्होंने अगर देखा जाए 26वीं बार रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और अगर बात आती है, अभी हमने नाम सुना था प्रियंका मोहिते, तो इन्होंने दुनिया की 5 सबसे ऊंची चोटियों पर क्या है, चढ़ाई की है, तो इनका नाम आता है 5 चोटियों में, और कामी रीता शेरपा का नाम आता है 26 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी है। और माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में, और नेपाल में अगर बात आती है इसे क्या बोला जाता है, सागर माथा, और इसकी जो हाइट है वो है लगभग 8848 मीटर। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कब चलाई जाएगी? तो भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन है, तो ये भारत में अगर देखा जाए तो रामायण के ऊपर डिपेंड करेगी, और ये जो ट्रेन है वो दिल्ली के सफदरगंज से आपकी चलाई जाएगी तेलंगाना तक। तो ये भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कब चलाई जाएगी? अब जिस दिन हमारा होता है योग दिवस, और योग दिवस कितनी तारीख को होता है, 21 जून को होता है, तो ये ट्रेन जो चलाई जाएगी 21 जून 2022 को चलाई जाएगी। नेक्स्ट हमारा लास्ट वीडियो का क्वेश्चन, तो लास्ट वीडियो में हमने पूछा था किस राज्य सरकार ने जीवला विशेष ऋण योजना शुरू करी है, तो महाराष्ट्र सरकार ने। और आज का सवाल है हमारा, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजिकल हब किस शहर में स्थापित किया गया है? और यहाँ पर आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, फेसबुक पेज है, और इंस्टाग्राम है, और व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, और ये पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, और पीडीएफ का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।